हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए अच्छे हैं। आई एम योर हिंदी टीचर। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी एक वीडियो पोस्ट की गई थी जिसमें मैंने आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ाया था, और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, ठीक है? सो बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यानी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने बुक्स अभी तक नहीं ली है, सो प्लीज स्कूल आइए और स्कूल से अपनी अपनी बुक्स खरीद लीजिए ताकि आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना आ सके। और जिन बच्चों ने बुक्स ले ली है, अच्छी बात है। तो जिन भी बच्चों ने बुक्स ले ली है वो अपने अपनी बुक्स निकाल लीजिए। ये आपकी न्यू बुक है, क्लास फर्स्ट व्याकरण चांदनी। सो ओपन योर बुक एंड ओपन योर फर्स्ट चैप्टर, पार्ट एक। पार्ट एक क्या है? भाषा और व्याकरण। क्या है? भाषा और व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब भाषा क्या होती है? सबसे पहले भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है, अगर हमारे मन में कुछ भी, कोई भी बातें, किसी भी प्रकार का विचार चल रहा हो, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस समय आपको पढ़ाना चाहती हूँ, वो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी? अगर मैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं, क्या आप पढ़ लोगे? आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप समझ जाओगे? नहीं ना, उसके लिए मुझे भी तो समझाना पड़ेगा। मुझे कैसे समझाना पड़ेगा? बोल करके? बिना बोले तो हम आपको समझा नहीं सकते हैं। तो बोल करके समझाना, यानी कि अपने विचारों को बोल करके या लिख करके प्रकट करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है? देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 3। देखिए उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले एक ऊपर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक माँ और बेटी है, ठीक है? एक माँ और बेटी के द्वारा की गई जो बातें हैं वो बताई गई है, लिखी गई है। बेटी अपनी मम्मी से पूछती है, क्या पूछती है? मम्मी आज क्या बनाया है? तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि हाँ मैंने खीर बनाई है, ठीक है? फिर देखिए, हमारे मन में अनेक विचार आते हैं। जैसे कि इस समय आप लोग सोच रहे हो बहुत सारी बातें कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्लास में जाके पढ़ते थे, मैम की डांट भी सुननी पड़ती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करने पर मार भी खानी पड़ती थी। बहुत सारी बातें आप लोग सोच रहे होंगे, और ऑनलाइन में मज़ा भी आ रहा है, कुछ बच्चों को आ ही रहा होगा, कुछ बच्चों को तो नहीं, हम वो जाने, ठीक है? तो हम जो अपने विचार हमारे मन में आते हैं वो हम बोल करके या लिख करके दूसरों को बताते हैं। जैसे इस समय मेरे मन में जो भी विचार आया कि आप लोग क्या सोच रहे हो, मैंने आपको बोल करके बताया ना, ठीक है? तो यानी विचारों को बोल कर या लिख करके दूसरों को समझाना भाषा कहलाता है। क्या है? विचारों को बोल कर या लिख करके दूसरों को समझाना भाषा कहलाता है। फिर उसके बाद देखिए, उसी के नीचे एक दूसरी पिक बनी हुई है, दूसरा चित्र बना हुआ है, किसी डॉक्टर के क्लिनिक का है। उसमें साइड में देखिए क्या लिखा है, कृपया शांत रहें। क्या लिखा है? कृपया शांत रहें। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 देखिए, पहले चित्र में आपने देखा कि लड़की ने बोल करके अपनी माँ से एक बात कही जिसका माँ ने उस बात को सुना और समझी। लड़की ने जो बात अपनी माँ से कही कि मम्मी आज क्या बनाया है, तो मम्मी उसकी बात सुनती है और सुन करके समझती है कि हाँ मेरी बेटी मुझसे कुछ पूछना चाहती है। फिर दूसरे चित्र में आपने देखा कि डॉक्टर साहब की दुकान पर एक बात लिखी है, उसे आपने पढ़ करके समझा, यानी कि वहाँ पर डॉक्टर साहब किसी से कुछ बोल नहीं रहे, वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि कृपया शांत रहें। अतः अब आप जान गए हैं कि भाषा का जो प्रयोग
सबसे पहले है वो है भाषा के रूप। इससे पहले आपने पढ़ा कि भाषा क्या है, यानी कि विचारों को बोल करके या लिख करके प्रकट करना भाषा है। फिर भाषा के रूप, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं, यानी कि बिना लिखे पर जो हम आपको बोल करके बता रहे हैं वो मौखिक भाषा होती है। जैसे आपके स्कूल में टेस्ट लिया जाता है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट आपका ओरल हो गया, सेकंड आपका रिटेन हो गया। ठीक है, ओरल मीन्स मौखिक, जो आप बोल करके, अगर आपकी टीचर आपसे कुछ पूछती है, बोलती है ना कि कल मैं ओरल टेस्ट लूंगी इस चैप्टर का, तो वो क्या है, वो मौखिक हो गया। लेकिन अगर आपकी टीचर आपसे बोलती है कि कल मैं रिटेन टेस्ट लूंगी, यानी कि आपको लिख करके बताना है, तो वो लिखित हो गया। ठीक है, यानी कि जो भाषा बोली जाती है उसे हम लोग मौखिक कहते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा, यानी कि जो हम आपको लिख करके पढ़ाते हैं, लिख करके समझाते हैं, उसे कहते हैं लिखित भाषा। ये जैसे मैंने आपको लिख करके बताया है, तो ये क्या है, ये लिखित भाषा है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है, वो मौखिक भाषा है। फिर देखिए व्याकरण क्या है, ये आपका हो गया भाषा क्या है। फिर उसके बाद वो भाषा के रूप, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा लिखित भाषा। अब उसके बाद व्याकरण क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है, यानी कि कुछ वाक्य दिए हैं। फर्स्ट है, यह नितिन है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है, यह हिंदी भाषा बोलता है। फिर है, यह रविंद्र है, यह बंगाल में रहता है, इसकी भाषा बांग्ला है। फिर नेक्स्ट पेज पे नंबर 5, यह मंजीत है, यह पंजाब में रहता है और इसकी भाषा पंजाबी है। देखिए हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग कहाँ रहते हैं, सबसे पहले हमारी कंट्री, हमारे देश का क्या नाम है, भारत। हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारे क्या हैं, देश हैं, सॉरी भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं, राज्य हैं। तो सब अलग अलग राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, सब जगह। फिर देखिए हमारे जो हमारा जो देश है भारत है, उसमें कई सारे प्रदेश हैं, तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, असम में असमी बोली जाती है। तो जो जिस प्रदेश से बिलोंग करता है वो वहाँ की भाषा बहुत अच्छे से जानता और समझता है। ठीक है, यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, किंतु हिंदी के अतिरिक्त भी यहाँ अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती है। अब ऐसा नहीं कि अगर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हम सिर्फ हिंदी बोलते और समझते हैं, हिंदी के अलावा हम इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं बोली और समझी जाती है। ठीक है, तो भाषा कोई भी क्यों ना हो, भाषा चाहे जो हो उसे हमेशा शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। ठीक है, भाषा चाहे जो हो, यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, कोई भी भाषा हो, लेकिन उसका जो बोलने का एक तरीका होता है वो सही होना चाहिए, यानी शुद्ध रूप होना चाहिए, शुद्ध रूप से हमें बोलना चाहिए। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने के नियमों को ही व्याकरण में सिखाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के कुछ नियम होते हैं, तो जो नियम होते हैं वो व्याकरण में सिखाया जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, मेरा पुस्तक कहाँ गया, क्या ये सही है, सही वाक्य है, मेरा पुस्तक कहाँ गया। फिर देखिए उसके पापा है, टीचर है, जो भी है, उसे बताते हैं कि बेटा मेरा पुस्तक गया नहीं, मेरी पुस्तक कहाँ गई कहते हैं, है ना। अब ये सही वाक्य हुआ कि मेरी पुस्तक कहाँ गई, मेरा पुस्तक कहाँ गया, ये तो गलत है। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो ये गलत है, ये ऐसे नहीं बोला जाता है, बल्कि मेरी पुस्तक कहाँ गई ये बोला जाता है। फिर
पेज आगे करिए, पेज नंबर 6। देखिए लड़के ने जो बोला वह व्याकरण के नियम के अनुसार गलत है, यानी लड़का बोलता है मेरा पुस्तक कहाँ गया, तो ये गलत वाक्य है, मैंने आपको बताया। फिर पिताजी ने उसे शुद्ध रूप में बोलने का नियम बताया और यही नियम हम व्याकरण में सीखते हैं। तो अभी आपका चैप्टर खत्म हो गया, पाठ 1। बहुत छोटा सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ भाषा के बारे में था जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद है इसका अभ्यास। अभ्यास में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस